ये आमने सामने एक गुफा है, गुफा एक गुफा को देखने के लिए लोग आते हैं। ये गुंबद आपको नजर आ रहा होगा, लक्ष्य ग्रह का आपको नजदीक से भवन है। अब अंदर क्या है इसके तरीके देखना पड़ेगा। दोस्तों इस समय मेरी नज़र पड़ी लाक्षा ग्रह पर। लाक्षा ग्रह आप लोग जानते होंगे, मैं अभी लाक्षा ग्रह के उसी स्थान पर जा रहा हूँ जहाँ पर दुर्योधन ने पांडवों के लिए एक महल बनाया था और उस महल में योजना थी कि पांडवों को जला करके मार देना है। आप लोगों ने देखा भी होगा, तो ये वही स्थान है लाक्षा ग्रह। हम लाक्षा ग्रह के उस रोड पर अंदर चल रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ख़ास तौर पर क्या मिलता है। आप ऊपर देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक बहुत ऊंचा टीला है जो पेड़ पौधों से भरा हुआ है। अभी ऊपर चल के देखना है कि ऊपर एक मंदिर भी दिखाई दे रहा था कि ऊपर हमें क्या मिलता है। वैसे बहुत लंबा बताया जा रहा है, देखते हैं इसका। अभी हम इस टीले के चारों ओर घूम रहे हैं। ये सड़क गोल करके जा रही है, आप आगे देख लीजिए ये सड़क किस किस तरीके से मुड़ के जा रही है। अभी आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिलता है। वैसे तो घना जंगल है, कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये इधर साइड में यहाँ पर एक मंदिर, कुछ धर्मशाला टाइप नज़र आ रही है, देखते हैं। ये यहाँ पर एक सत्संग भवन है, अब अंदर क्या है इसके चल के देखना पड़ेगा। दोस्तों ये एक महाविद्यालय लिखा हुआ है यहाँ पे, और शायद ये आयुर्वेदिक वगैरह संस्कृत वगैरह का महाविद्यालय। अभी यहाँ पे कोई है नहीं बताने वाला कि आखिर यहाँ पे है क्या। अभी देखते हैं, दूसरी रोड पे चलते हैं जहाँ पे मंदिर नज़र आ रहा है। देखिए हम नीचे की ओर सड़क जा रही है, इस पे चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलना है। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक गेट और है, रास्ता बनाया हुआ है नीचे उतरने के लिए। बहुत ही नीचा एकदम से ढलान आपको नज़र आ रहा होगा और ये ढलान सीधा रोड पे निकलता है जहाँ से हम अभी आए थे चक्कर काट के घूम के। वो सामने आपको रोड नज़र आ रही होगी, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए हम इस ढलान पे उतरते हुए जा रहे हैं, देखते हैं कि वो जो गुफा यहाँ पर थी जहाँ से उस महल में से पांडव उस गुफा से नीचे निकले थे। तो बहुत नीचे ढलान है, देखते हैं धीरे धीरे उतर के कि वो गुफा हमें मिलती है या नहीं। अरे दोस्तों अभी यहाँ से देखे मैं ऊपर जहाँ से उतर के आया हूँ, वो देखे वो ढलान कितना गहरा ढलान है। और इधर साइड में देखे कि ये अभी पेड़ पौधे जंगली जंगल यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये सीधे रोड है। और इधर साइड में जहाँ पर वो नदी के किनारे निकले थे, इधर इसके पीछे नदी है वो जहाँ से निकले थे और जहाँ पर जा कर के अपनी प्यास भी बुझाई थी। तो मैं अभी मंदिर पर भी ले कर चलूँगा, आपको दिखाऊँगा पूरा। और ये मेरा कजन मेरे साथ में है, आप देख रहे होंगे रोहित कुमार, ये साथ में है। आज इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं यहाँ पर आया हूँ, आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको गौशाला भी नज़र आ रही है, लाक्षे ग्रह ये गौशाला है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और अब हम पेड़ियों से चढ़ रहे हैं और सामने ये गुंबद आपको नज़र आ रहा होगा लाक्षे ग्रह का, मैं आपको नज़दीक चल के दिखा देता हूँ। और गुफा तो यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रही है,
दोस्तों मैं इस गुंबद को दिखा देता हूँ आपको। ये जो इसमें ईंट लगी हुई है, इसे आप ध्यान से देखिए। सिर्फ पूरे महल में से एक यही गुंबद यहाँ पर बची हुई है। या टूटा फूटा गेट आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक गेट है। अब ये नहीं जानते कि ये गेट गुफा वाला गेट है या कैसे, आइए देखते हैं। इसमें कहीं गुफा तो नज़र नहीं आ रही, मगर आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके का गेट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सबसे ऊंचा टीला है। जी हाँ, ये लाक्षाग्रह का सबसे ऊंचा टीला आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरा बरनावा, ये बरनावा के अंदर है और ये बरनावा का मंदिर आपको साफ सामने नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये पूरा बरनावा है यहाँ से यहाँ तक का। ये देख सकते हो आप, ये बरनावा का सबसे ऊंचा टीला लाक्षाग्रह के नाम से जाना जाता है। उस समय मैं सबसे ऊपर खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हो। अभी मैं आपको गुफा की तरफ लेके चलता हूँ। अभी कुछ लोग यहाँ पर थे, उनसे पूछा कि गुफा कहाँ है। मैं कोशिश करता हूँ आपको गुफा दिखाने की, आप इस वीडियो पर बने रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ लाक्षाग्रह की पैड़िया, जो नीचे से जो सेकंड या थर्ड फ्लोर पे जिस समय लाक्षाग्रह बना होगा उस समय की ये पैड़ी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ और थोड़ा नज़दीक जाकर, ये पैड़ी थी यहाँ पर जो इस समय घास की वजह से दबी हुई है। ये दिखा देता हूँ, ये देखिए नीचे गहराई है और इस तरह से नीचे उतरते हुए ये एक रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा, मगर बहुत ज़्यादा इसमें घास है। ये देखिए आपको कुछ नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर रास्ता था जो लाक्षाग्रह के इस महल में ऊपर को जाया जाता था, मगर इस समय हम आपको नीचे उतर के नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर घास है, पेड़ पौधे हैं और मैं काफ़ी ऊंचाई पर खड़ा हुआ हूँ इस समय। आइए मैं अब आपको लेकर के चलता हूँ गुफा की ओर, देखते हैं गुफा को सर्च करते हैं कि आखिर लाक्षाग्रह की गुफा कहाँ पर है। आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये लाक्षाग्रह का एक मिनी गेट है। यहाँ से हो सकता है कि कोई गैलरी लाक्षाग्रह में इस तरह की हो। यहाँ से मैं आपको दिखाते रहता हूँ कि ये गुंबद गुंबद के बराबर में, और मैं ईंटें दिखा देता हूँ। हालांकि ये ईंटें तो अभी की है, यहाँ पर देखिए ये ईंटें अभी की है, ये टूट फूट हो चुकी थी तो उसके बाद ये तैयार किया गया है उसी आकृति में। मगर इसके बराबर में आप देखते हो तो ये लखोरी ईंट यहाँ पर नज़र आती है। ये उस समय की ईंट हो सकती है जिस समय लाक्षाग्रह तैयार हुआ था, मगर ये, आइए मैं थोड़ा सा और बैक करता हूँ तो इसका यहाँ पर आप देख लीजिए। ये यहाँ पर जो है ये इस समय पुरानी ईंटें हैं, मगर टूट फूट होने के कारण यहाँ पर थोड़ी इसकी मरम्मत की गई है जो आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए लखोरी ईंट का इस तरीके से ये जो गोलाई आपको नजर आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आजकल पीओपी से ये गोलाई बनाई जाती है, मगर पहले की आप कारीगरी देखोगे यदि तो आप हैरान रह जाओगे। ये चीज देखने लायक है यहाँ पे कि किस तरह से लखोरी ईंट का इस्तेमाल किया गया है। ये चीज देखिए आप, ये तो इस तरह से देखिए आप, ये डिजाइन देखिए यहाँ पे। उस समय क्या सोच रही होगी इन लोगों की जो कारीगर थे यहाँ पर, किस तरीके से इसे डिजाइन कराया गया था। तुरंत इसके निकलते ही ये यहाँ पर आपको ये गुंबद नजर आता है, ये गुंबद देखिए, ये गुंबद नजर आता है। यहाँ पर भी ये इस तरह के कुछ पत्थर से यहाँ पर रखे हुए हैं और
ये इसी का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है जो अलग अलग पड़ा हुआ है यहाँ पर। और ऐसा बताया जाता है कि जहाँ से वे लोग निकले थे उसका कुछ बीच का हिस्सा इस तरह से फर्श ये कटा हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ से निकले थे और गुफा में गए थे, वो गुफा कहाँ से कहाँ तक है वो मैं आगे चल के आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम वापसी चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर है वो गुफा। वैसे यहाँ पर महर्षि महानंद जी का एक मंदिर बना हुआ है, अगर खुला हुआ होगा तो मैं आपको अभी दर्शन कराऊंगा कि किस तरह का मंदिर है यहाँ पर। सबसे अजीब बात है कि यहाँ पर हमें पांडव का कोई मंदिर नज़र नहीं आया। महर्षि महानंद के मंदिर में किस किस की प्रतिमूर्तियाँ रखी हुई है ये कहना भी मुश्किल है क्योंकि अभी हमने नहीं देखा। ये गौशाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये गौशाला है लाक्षाग्रह की, जहाँ पर 20-25 गौशाला आपको नज़र आ रही होंगी। दोस्तों अब इस समय हम गुफा की तलाश में जा रहे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि खेत खलियान है, यहाँ पर खेती भी होती है, गौशाला मैंने आपको दिखा दी है। और दूसरी साइड हम एक कॉर्नर पर चल रहे हैं इस लाक्षाग्रह के, अब देखते हैं कि कहाँ पे हमें वो गुफा नज़र आएगी। मैं आपको यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये सामने है सत्संग भवन, यहाँ पे सत्संग होता है, एक भवन बनाया गया है लाक्षाग्रह में। मगर इतना पुराना और इतना प्रचलित होने के बावजूद भी यहाँ पर एक चीज़ की कमी नज़र आती है कि कोई मंदिर पांडव से संबंधित, श्री कृष्ण से संबंधित यहाँ पर कोई भी मंदिर नज़र नहीं आता। ये हमारी सरकार की विडंबना कह लीजिए या हमारे देश की जो भावनाएं हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर कुचला जा रहा है, क्योंकि जो एक इतना विश्वसनीय एक यहाँ पर चरितार्थ हुआ था वो यहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने को नज़र नहीं आ रहा। यदि आप यहाँ पर कभी आना चाहते हो तो आपको टूटा फूटा या फिर एक धर्मशाला स्कूल, जहाँ पर मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्योंकि वहाँ पे कोई मुझे दिखाई नहीं दिया, हो सकता है कि कोरोना का समय चल रहा है इस वजह से कोई ना दिखाई दिया हो, अभी तक मुझे यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। हम तलाश में हैं कि वो गुफा आखिर है कहाँ। देखते हैं कि नीचे उतरने का रास्ता हमें नज़र आ रहा है, शायद ये रास्ता हमें नज़र आया है कि यहाँ पे जी 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 एक रास्ता हमें यहाँ पे नज़र आया है, वो रास्ता ये कुछ पेड़ियाँ यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं नीचे उतरता हुआ जाता हूँ और देखता हूँ क्या ये पेड़ियाँ गुफा वाली हैं या कुछ और है। देखिए अब हम आ चुके हैं एक बहुत ही अच्छी जगह है जहां पर लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं उस गुफा को, जहां से उस गुफा के अंदर से निकले थे। ये आपको नजर आ रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ ये गुफा आपको नजर आ रही होगी, मैं आपको अभी इसमें थोड़ा सा अंदर जाके भी दिखाऊंगा। और दूसरा पार्ट इस गुफा का यहाँ पे है, ये आमने सामने एक गुफा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए ये गुफा आमने सामने है। एक पार्ट ये है साउथ दिशा में और दूसरा पार्ट ये वाला है नॉर्थ दिशा में। आप देखिए ये साउथ दिशा का पार्ट है, ये नॉर्थ दिशा का पार्ट है। अब इसमें से कहाँ से ये लोग निकले थे और कहाँ से अंदर प्रवेश किया था ये कहना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा एंट्री का बोर्ड नहीं है। आप देख सकते हो और इस गुफा की ऊंचाई चौड़ाई कोई खास से नहीं है, ये अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ।
कुछ नहीं दिख रहा। देखिए अंदर टॉर्च जलाने के बाद भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए अंदर जाने की कोशिश की जा रही है, मगर बैठ बैठ के ही जाया जाएगा। और अंदर कितना गहरा है ये, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, आगे ऐसे चल के ऐसे है। फिर ये बहुत लंबी गुफा है और इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये टोटल ऊपर मिट्टी से बना हुआ है, इसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं है कि ईंट या इसकी कोई मरम्मत कराई गई हो, सिर्फ ऐसे ही मिट्टी मिट्टी आपको नजर आ रही है। ठीक है बाहर आ जाओ। लेफ्ट राइट आप देख सकते हो ये गुफा है, इस गुफा को देखने के लिए लोग आते हैं। और दूसरा भी पार्ट ऐसा ही है, उसमें भी इसी तरह से। अब ये कहाँ से घूम के कहाँ आ रही है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो ये गुफा है, और जहां से स्टार्ट होती है कहाँ पे खत्म होती है, उसके बाद ये बीच में यहाँ पर कुछ पेड़िया है। यहाँ से निकल के ये लोग गए थे, और इसके पास ही कहीं नदी है जहाँ पर उस साइड में। ये लोग पहुंचे थे। तो हम इससे आगे खेत खलियान है, वैसे तो यहाँ पे कोई नदी नजर नहीं आ रही, थोड़ी सी दूर हो सकती है। तो दोस्तों मेन चीज ये है कि यहाँ पर जब भी कोई आता है तो गुफा देखने के लिए आता है। गुफा कैसी है, ये वो गुफा है जिसमें पांडवों ने अपनी जान बचाई थी जब दुर्योधन ने लक्षगृह का निर्माण कराया था पांडवों को समाप्त करने के लिए, मारने के लिए। तो अपनी माता कुंती समेत पांचों पांडव यहाँ पर इस गुफा से निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए थे। तो दोस्तों ये थी लाक्षाग्रह की फुल स्टोरी। लाक्षाग्रह मैंने आपको टोटली दिखा दिया है, सिर्फ एक छोटा सा यही यहाँ पर जो है उत्साहित करने वाला है, और बाकी कुछ ऐसा नहीं है फिलहाल। कोई इस पर सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है कि इसे कुछ मॉडिफाई किया जाए। तो जैसा भी है, जो भी था मैंने आपको दिखा दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।